सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी। मैं संदीप गंगवा, फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, आज आपके साथ जुड़ा हूँ एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास नंबर 7 में। इससे पहले की जो क्लासेस हुई हैं हमने उसमें डिस्कस किया था फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, मीन्स ट्रांजिस्टर के दोनों टाइपों का डिस्कशन किया था। इससे जस्ट पहली वाली क्लास में मैंने किया था डिस्कस टाइप्स ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जब मैं उसके टाइप्स बताता था तब मैंने आपको बताया था एक होता है जेफेट और एक होता है मॉसफेट। तो आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूँ जेफेट। तो आज का जो टॉपिक होगा वो आपका होगा जेफेट। जेफेट मतलब, इसका नाम मैंने आपको बताया था, आपने अगर लास्ट क्लास ना अटेंड की हो तो आप वो क्लास को देखिएगा, उस वीडियो को देखिएगा, उस बात को समझिएगा, फिर इस वीडियो पे आइएगा, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी फिर। ठीक है, इसमें स्पेसिफिक टॉपिक जेफेट को डिस्कस किया जाएगा, उसमें टाइप्स डिस्कस किए गए किसके, फैट के। उसका पहला टाइप क्या है, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जे फॉर जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये हो गया। हम लोग जो ये डिस्कशन कर रहे हैं ये BJT और FET का जो डिस्कशन है ये आपकी EDC और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के दोनों के कंबाइंड टॉपिक हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, फिर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हम आगे की ओर डिस्कस करेंगे। तो ये जो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, ये जो आपके सामने बनाया हुआ है, ये इसका स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ये आपकी 3 टर्मिनल डिवाइस होती है। जब 3 टर्मिनल डिवाइस है, टर्मिनल के नाम लिखता हूँ मैं, S फॉर सोर्स, D फॉर ड्रेन एंड G फॉर गेट। ये दोनों सेम है, ये इंटरनली कनेक्ट होते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर ये एक्सटर्नली दिखा रहा हूँ कनेक्शन इनका, लेकिन ये इंटरनली दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं डिवाइस के अंदर। ये जो डिवाइस बनी है, ये डिवाइस जो मैंने बनाई है यहाँ, ये 2D में दिख रही है आपको, ये एक्चुअली 2D नहीं, ये 3D स्ट्रक्चर है। तो ये ऐसा जो ये स्पेस दिख रहा है ये आपको, ये ब्लॉक ऊपर की साइड भी है, ये वाला ब्लॉक भी ऊपर की साइड है और ये वाला ब्लॉक भी आगे की साइड है। तो ये 3D का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आपका गेट है टर्मिनल, ये हो गया आपका गेट, ये हो गया आपका ड्रेन और ये हो गया आपका सोर्स, ये आपकी 3 टर्मिनल डिवाइस हो गई। ठीक है भाई, ये गेट सोर्स दे, नाम से ही क्लियर है, सोर्स का मतलब कैरियर को देना, ड्रेन का मतलब कैरियर को कलेक्ट करना, गेट का मतलब कैरियर के फ्लो को रोकना या फिर उनको कंट्रोल करना। मैंने आपको बताया था सोर्स और ड्रेन के बीच का जो पाथ होता है उसे हम कहते हैं चैनल। तो ये जो पाथ है, ये बीच का जो आपको स्पेस दिख रहा है, जो अवेलेबल स्पेस है, इसे कहते हैं हम चैनल। चैनल क्या हो गया, सोर्स और ड्रेन के बीच का पाथ हो गया, इसमें मेरे कैरियर का फ्लो होता है जिसे गेट से कंट्रोल किया जाता है। ये तो कुछ स्ट्रक्चर की बात हो गई। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जेफेट जो होती है वो आपकी 2 कैटेगरी बनाई थी, एक था एन टाइप और एक था आपका पी टाइप, 2 टाइप के जेफेट थे। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की मेजोरिटी थी, पी टाइप में होल्स की मेजोरिटी थी। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो एन टाइप की डिवाइस होती हैं वो पी टाइप की डिवाइस से हल्की होती हैं और स्पेस कम लेती हैं और परफॉर्मेंस अच्छा होता है एन टाइप का। अगर इक्वल परफॉर्मेंस देनी है दोनों डिवाइस से तो पी टाइप की डिवाइस का जो स्पेस होता है वो डबल हो जाता है। फिलहाल एन टाइप की डिवाइस अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं जो आपको क्लासेस में डिस्कशन देने वाला हूँ जेफेट का, वो मैं आपको एन टाइप का दे रहा हूँ। तो हेडिंग है जेफेट का एन टाइप जेफेट। तो जेफेट का टॉपिक क्या था आपका, एन टाइप का जेफेट। पी टाइप का क्या है, पी टाइप का आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, मैं आपको पी टाइप का भी बता दूंगा इसी की हेल्प से। तो जो टॉपिक है मैं सही से लिख देता हूँ, टॉपिक हो गया आपका एन टाइप या फिर एन चैनल, एन चैनल लिखेगा वर्ड अच्छा लगेगा, एन चैनल जेफेट। तो ये हो गया आपका एन चैनल जेफेट, ये इसका स्ट्रक्चर। एन चैनल का मतलब क्या है कि जो ये चैनल है ये आपका कौन सा टाइप का होगा, ये आपका एन टाइप का होगा।
ये एन टाइप का मतलब है ये जो डिवाइस है, ये जो इतना स्पेस है जहाँ पर ये मेरी फिंगर है, ये स्पेस और ये सब स्पेस, ये सब आपका एन टाइप का होगा क्योंकि ये चैनल क्या है, एन टाइप का है। तो इसको एन टाइप होने के लिए ये पूरी जो डिवाइस है ये आपकी एन टाइप की हो गई। जब डिवाइस एन टाइप की है, चैनल एन टाइप का है, फिर जो ये गेट है, ये वाला गेट है और ये टर्मिनल गेट है, तो गेट जो होगा वो होगा पी टाइप का। चैनल एन टाइप और गेट हो गया पी टाइप, ये आपका एन चैनल जेफेट का स्ट्रक्चर है। आपसे पूछा जाता है कि गेट के डोपिंग का लेवल बताइए विद रिस्पेक्ट टू ड्रेन एंड सोर्स। तो ड्रेन और सोर्स ये भी सब एन है, ये भी सब कुछ एन ही है, तो सेम डोपिंग का लेवल रहेगा। गेट की डोपिंग का लेवल ड्रेन और सोर्स की डोपिंग से ज़्यादा होता है, ये हाईली डोप्ड होता है। मैंने आपको टाइप्स ऑफ डोपिंग में बताया था, अगर पी के ऊपर प्लस लगा है तो इसका मतलब ये हाई डोपिंग है, और कुछ नहीं लगा हुआ है कोई सिंबल तो वो आपकी नॉर्मल डोपिंग है। अगर पी के ऊपर प्लस है तो ये हाई डोपिंग है, माइनस है तो ये आपकी लो डोपिंग है, और पी के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये आपकी नॉर्मल या मॉडरेट डोपिंग है। तो ये डोपिंग के लेवल है। फिलहाल गेट की डोपिंग का लेवल ड्रेन और सोर्स की डोपिंग के लेवल से ज़्यादा होता है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और पूछा भी गया है, तो आप इस बात को याद रखिएगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ड्रेन और सोर्स का एरिया, मैंने कहा था ए टू डैश इक्वल टू क्या होता है ए वन डैश, और डोपिंग का जो लेवल है डी टू डैश इक्वल टू क्या होता है डी वन डैश। तो ये इक्वल होने की वजह से हम सोर्स को ऊपर और ड्रेन को हम नीचे लगा सकते हैं, या फिर ये कहें कि ये जो डिवाइस है ये आपकी सिमेट्रिकल डिवाइस होती है। तो जेफेट क्या होता है, सिमेट्रिकल डिवाइस होता है। तो अपने लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया कि जेफेट इज सिमेट्रिकल डिवाइस। जेफेट क्या है आपका, जेफेट इज सिमेट्रिकल डिवाइस, ये आपकी सिमेट्रिकल डिवाइस होती है। ये आपकी थ्री टर्मिनल डिवाइस होती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, थ्री टर्मिनल डिवाइस होती है। ये बात भी पूछी जाती है कि जेफेट बनाया किससे जाता है, तो मैं आपको बता चुका हूँ ये फैट का ही एक टाइप है, और फैट किससे बनाया जाता है, वो सिलिकन से बनाया जाता है। तो जेफेट भी आपका सिलिकन से ही फैब्रिकेट किया जाता है। इसका इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है, कितना होता है 10^6 to 10^8 ओम की रेंज में होता है। ये आपका बेसिक कुछ स्ट्रक्चर हो गया इसका। चैनल मैंने आपको बता दिया, अगर ये एन चैनल ना हो के पी चैनल होता तो क्या होता, ये सब जो टाइप है बीच का जो स्पेस है ये हो जाता आपका पी। देखो मैं लिख देता हूँ, ये हो गया आपका पी, ये सब पी हो गया। जब ये पी है तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, गेट वाला, ये हो जाएगा आपका एन, ये हो गया आपका एन। तो अब ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका पी टाइप का जेफेट है, पी चैनल, ये क्या चैनल क्या है, पी टाइप का है, ठीक है। फिलहाल अभी हम एन टाइप का डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये एन जैसा था वैसा ही एन पी पी, और यहाँ पर ये चैनल क्या था एन, ठीक है भाई। तो ये बात आपको समझ में आ गई इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब मैं इसकी वर्किंग को बताता हूँ कि ये काम कैसे करेगा, ठीक है भाई। तो इसको मैं रिज़र्व कर रहा हूँ, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। देखो भाई बात सुनो, ये जो चैनल है, चैनल का काम क्या होता है कि कैरियर सोर्स से निकले और ड्रेन की तरफ चले जाए, ठीक है भाई। चैनल का काम क्या होता है, सोर्स से निकलें कैरियर और ड्रेन तक पहुंच जाए। ये है क्या एन टाइप का, एन टाइप से क्या निकलते हैं इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन की मेजोरिटी होती है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि मेजोरिटी होती है फैट में, तो यहाँ माइनॉरिटी का डिस्कशन नहीं होगा, तो पूरी डिवाइस में माइनॉरिटी का डिस्कशन नहीं होगा। आप ऐसे भी बना सकते हैं कि ये हाईली डोप्ड की वजह से इसे लिख सकते हैं प्लस प्लस डबल प्लस, और इसके कंपैरिजन में इसकी डोपिंग सिंगल प्लस, ये आपका डबल प्लस और ये आपका सिंगल प्लस। तो इससे क्या हो जाएगा, इस प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, इसकी डोपिंग हाई है और इसकी डोपिंग पी टाइप की उससे भी ज़्यादा है, और यहाँ डोपिंग हाई होने की वजह से यहाँ माइनॉरिटी कैरियर अवेलेबल नहीं होते हैं। फिलहाल यहाँ माइनॉरिटी अवेलेबल नहीं होगी, माइनॉरिटी का डिस्कशन नहीं किया जाएगा। सोर्स क्या है, एन टाइप का है।
एन टाइप में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा कौन? सोर्स टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेजने? ड्रेन तक। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से तभी जाएगा ऊपर की साइड जब इस पर निगेटिव चार्ज होगा। निगेटिव पोलैरिटी लगाओगे फिर इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव निगेटिव रिपल्शन होगा और इलेक्ट्रॉन ऊपर की साइड फ्लो करेगा। करेगा नहीं करेगा भाई? बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन ऊपर की साइड फ्लो करेगा। तो सोर्स जो होता है वो आपका निगेटिव होता है। निगेटिव हो गया। इलेक्ट्रॉन को जाना कहाँ है? ड्रेन तक आना है। तो ड्रेन क्या होना चाहिए? आपका पॉजिटिव, तभी तो इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो जब ये पॉजिटिव, तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ कि ड्रेन होगा वो आपका पॉजिटिव होता है। ये आपका क्या हो गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव ये नेगेटिव। नेगेटिव से रिपल्शन मिला इलेक्ट्रॉन का, पॉजिटिव पे गए, पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो गया। जब इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो गए, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ये है, तो करंट का फ्लो क्या होगा? अंदर की साइड होगा। तो ये हो गया करंट का फ्लो, जिसे कहते हैं हम आई डी। इसे हम ड्रेन करंट के नाम से जानते हैं। इसे कहते हैं ड्रेन करंट। ठीक है भाई, ये तो हो गया कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से। मैं इसे साफ करके सही बना देता हूँ। ये आपका प्लस पॉइंट और ये आपका माइनस पॉइंट। ठीक है भाई, ये कुछ इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन है ये। बात समझ में आ रही है? अभी क्या है, गेट टर्मिनल ओपन है, गेट पे कोई सप्लाई मैंने नहीं लगाई है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपका चल रहा है नॉर्मल। ऐसे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में? इस वोल्टेज के लिए। इस वोल्टेज की वजह से हो रहे हैं। इस वोल्टेज का नाम क्या दे दिया? डी और एस के बीच में लगाया है, तो उसे दे दो वी डी एस। ड्रेन और सोर्स के बीच का वोल्टेज वी डी एस के नाम से कह दिया मैंने। जब वी डी एस आएगा तभी इन इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और तभी ये करंट जो है इसमें क्रिएट होगी, करंट आपकी फ्लो होगी। तो वी डी एस रिस्पॉन्सिबल है ड्रेन करंट के लिए। तो मैं कुछ स्ट्रक्चर इसको देखिएगा, करेक्टरिस्टिक बना रहा हूँ मैं, एक वी आई करेक्टरिस्टिक बना रहा हूँ, समझिएगा। ठीक है, क्या है ये मैंने वोल्टेज है, कौन सा वोल्टेज है मेरा? वी डी एस, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। इसकी वजह से क्या करंट आ रही है? आई डी, ड्रेन करंट। ये आपका वोल्ट में दिया जाता है और ये आपका मिली एम्पियर में करंट आती है। ठीक है भाई, जब मैंने वी डी एस लगाना स्टार्ट किया, जैसे ही वी डी एस लगाया, तो वी डी एस लगाते ही इसमें करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया। ऐसे वी डी एस लगाते गए, मान लीजिए मैक्सिमम इस एन टाइप में 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 100 इलेक्ट्रॉन से स्टार्टिंग में तो 100 आ नहीं जाएंगे, 100 पहुंचने के लिए थोड़ा सा VDS की वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100, 100 पे पहुंच गया। 100 क्या है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है। इसके अलावा तो 100 के अलावा तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा तो करंट आपकी क्या हो जाएगी? लिमिटेड हो जाएगी। 100 से ऊपर इलेक्ट्रॉन होते तब ये करंट का जो ग्राफ है ऊपर की साइड जाता। फिलहाल मैक्सिमम पे पहुंच के ये करंट आपकी मैक्सिमम हो जाएगी, या फिर कहें इसके आगे करंट नहीं बढ़ेगी। तो नहीं बढ़ेगी तो यहाँ पे जो करंट होगी इसे डिनोट कर रहा हूँ मैं आई डी एस एस, ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट, या फिर ड्रेन टू सोर्स सेफ करंट। इसके ज़्यादा करंट नहीं फ्लो होगी, मैक्सिमम इतने ही हैं। फिर उसके बाद क्या है? अगर आपने इस पॉइंट से भी आगे वोल्टेज बढ़ाया, जैसे ही आपने वोल्टेज बढ़ाया, आपने और वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाई, इंक्रीज किया, तो जो फ्लो है फ्लो तो फिक्स रहेगा, तो जिसकी वजह से करंट भी आपकी फिक्स रहेगी। तो करंट आपकी मैक्सिमम पॉइंट पे जाके सैचुरेशन लेवल पे आ जाएगी और वो उसे कहते हैं आई डी एस एस, ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट। नाम लिख लीजिए, नाम भी पूछा जाता है। ये कब आया? जब गेट पे मैंने सप्लाई क्या थी? कोई भी सप्लाई नहीं दी, कोई भी वोल्टेज नहीं दिया, तो इसे कहता हूँ वी जी एस इक्वल टू जीरो वोल्ट का ये
ग्राफ है, ये वाला ग्राफ जो है VGS इक्वल टू 0 वोल्ट का ग्राफ है। बात समझ में आ गई भाई। अब आप एक बात समझिएगा, जैसे ही मैंने वोल्टेज यहाँ स्टार्ट किया, जैसे ही मैंने वोल्टेज दिया, इसका इनपुट रेजिस्टेंस हाई है। इनपुट रेजिस्टेंस हाई होने के बाद भी जैसे ही वोल्टेज लगाया वैसे ही इसकी करंट स्टार्ट हो गई। ऐसा कुछ नहीं था इसमें कि करंट आपकी थोड़ी देर बाद आई हो, करंट एकदम स्टार्ट हो गई थी। इट मीन्स इसमें आपका जो वोल्टेज है स्टार्टिंग का तुरंत इफेक्टिव है, तुरंत करंट स्टार्ट हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो कट इन वोल्टेज है वी गामा, वो क्या है आपका 0 वोल्ट। तो FET में कट इन वोल्टेज 0 वोल्ट होता है। अब कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न है कि सर कट इन वोल्टेज क्या है। तो आपने अगर लास्ट क्लासेस देखी हो तो डायोड का जब मैं डिस्कशन कर रहा था तब मैंने आपको बताया था कि कट इन वोल्टेज क्या होता है। कट इन वोल्टेज फॉरवर्ड बायस का वो मिनिमम वोल्टेज होता है जहाँ पर करंट स्टार्ट होती है। तो करंट यहाँ कहाँ स्टार्ट हो रही है, 0 वोल्ट पे। तो ये कट इन वोल्टेज क्या होगा, 0 वोल्ट। इसका इनपुट इम्पीडेंस हाई है बट कट इन वोल्टेज क्या है, 0 वोल्ट है। और ये कन्फ्यूज़न होता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है यही बात। तो आप ये बात याद रखिएगा, फैट का, JFET का ही नहीं, फैट का, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का कट इन वोल्टेज 0 वोल्ट होता है। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों बनता है, ये इसलिए बनता है क्योंकि जो ये फैट है वो किससे बनता है भाई, सिलिकन से। मैं आपको बता चुका हूँ सिलिकन से ही फैब्रिकेट किया जाता है, बट सिलिकन की जो डिवाइसेस होती हैं उनका कट इन वोल्टेज होता है 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट। बट FET का कट इन वोल्टेज क्या होता है, 0 वोल्ट, जबकि वो सिलिकन से ही फैब्रिकेट किया जाता है। इसका रीज़न है इट इज ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि ये फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है, इस फील्ड का ज़्यादा इफेक्ट होता है जिसकी वजह से यहाँ पर कट इन वोल्टेज 0 वोल्ट होता है। तो ये एक सेपरेट पॉइंट था फैट का, तो आप इसको याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस पूछा जाता है और पूछा भी जा सकता है आपके आने वाले एग्जाम में। तो कट इन वोल्टेज इसका 0 वोल्ट होता है। फिलहाल अभी मैंने क्या किया था, गेट पे मैंने कोई भी सप्लाई नहीं दी थी, तो इसे मैंने कहा VGS। अब क्या किया मैंने, गेट पर एक, ठीक है भाई मार्ग चेंज कर देते हैं, गेट पे मैंने क्या किया, गेट पे मैंने अब सप्लाई दी। गेट पे मैंने कौन सी सप्लाई दी, देखिएगा अब इस बात को समझिएगा। गेट क्या है, इनपुट टर्मिनल है, इनपुट टर्मिनल है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का इनपुट रेजिस्टेंस हाई होता है। इनपुट रेजिस्टेंस हाई होने का मतलब ये है कि करंट आपकी लो फ्लो होगी। लो फ्लो होने का मतलब कम फ्लो होगी। कम फ्लो होने का मतलब कि ये जो पी है ये आपका नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होगा विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स। इसका मतलब क्या है सर, आपने पी को नेगेटिव से क्यों अटैच किया और विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स क्यों किया। अब देखिएगा, ये जो पी है, पी जैसे ही नेगेटिव से अटैच हुआ और पी के साथ में दूसरा टर्मिनल क्या है, दूसरा मटेरियल क्या है, एन है। एन किससे है, पॉजिटिव से है। पी नेगेटिव से है, अब आप देखिएगा पी जो है आपका किससे है, नेगेटिव से है। एन है आपका पॉजिटिव से, पी नेगेटिव एन पॉजिटिव। तो ये कंडीशन किसकी होती है भाई, रिवर्स बायस की। रिवर्स बायस की कंडीशन होने की वजह से यहाँ पर जो एन और पी के बीच में जो डिप्लीशन लेयर है, जो ये डिप्लीशन लेयर फॉर्म हुई है इनके बीच में, ये जो डिप्लीशन लेयर फॉर्म हुई है वो आपकी रिवर्स बायस में होगी। और रिवर्स बायस में होने का मतलब है कि करंट आपकी कम फ्लो होगी, जिसकी वजह से इसका इनपुट रेजिस्टेंस हाई होता है। ठीक है भाई, अब मैंने जैसे ही VGS विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स लगाते हैं, इसे VGS मैंने नेगेटिव किया, नेगेटिव होने की वजह से P नेगेटिव N पॉजिटिव, डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो गई। बट ये जो डिप्लीशन लेयर है ऊपर की साइड फॉर्म होती है, नीचे की साइड कम फॉर्म होती है, बहुत कम। क्यों, इसका रीज़न ये है कि P तो हो गया नेगेटिव से, बट जो ये N है ये भी नेगेटिव से है।
एन नेगेटिव होने की वजह से यहाँ डिप्लीशन लेयर कम फॉर्म होती है और एन पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ डिप्लीशन लेयर ज़्यादा फॉर्म होती है, ठीक है, क्योंकि एन पॉजिटिव और पी नेगेटिव ही कंडीशन रिक्वायर्ड है रिवर्स बायस के लिए और डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो गया, क्योंकि डायोड है, डायोड में तो डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो ही गया, बट ये रिवर्स बायस में तो ये डिप्लीशन लेयर बढ़ गया, बढ़ने की वजह से अपनों को दिखने लगा। अब ये मैंने नेगेटिव बायस किया, मैंने सपोज क्यों नेगेटिव बायस कौन सा किया, माइनस का 1 वोल्ट, माइनस के 1 वोल्ट की वजह से ये जो डिप्लीशन लेयर फॉर्म हुई है, इसे मैं सही से बना देता हूँ, ये जो डिप्लीशन लेयर फॉर्म हुई है वो जो पहले जो आपका ये चैनल था अब इस चैनल में थोड़ा सा स्पेस ले लेगी, थोड़ा सा स्पेस ले लेगी कुछ इस तरीके से, ठीक है, जैसा इस साइड लेगी वैसा इस साइड लेगी, क्योंकि मैंने कहा एकदम सिमेट्रिकल है, तो ये आपका इस साइड भी आपका इसने स्पेस ले लिया। अब मैं आपको बता चुका हूँ जिधर डोपिंग ज़्यादा, जिस साइड डोपिंग ज़्यादा होती है, दोनों साइड प्लस प्लस है, ये डबल प्लस है, जिस साइड डोपिंग ज़्यादा उसकी डिप्लीशन लेयर कम होती है, और जिस साइड डोपिंग कम होती है इसके रेस्पेक्ट में कम है उसकी डिप्लीशन लेयर ज़्यादा होती है। अब आप देखिएगा जो ये 100 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा था जिसके लिए स्पेस अवेलेबल था, अब जैसे ही मैंने इस सप्लाई को बढ़ाया, VDS को बढ़ाना स्टार्ट किया, कौन से ग्राफ के लिए, ये तो VGS इक्वल टू 0 वोल्ट, VGS इक्वल टू माइनस के 1 वोल्ट, तो जो ये कैरियर हैं, ये आपके गेट देखिए, गेट जो आपका पहले बड़ा था अब ये छोटा हो गया, तो फ्लो 100 का होगा, नहीं, फ्लो 100 से कम का होगा, अब कुछ इलेक्ट्रॉन कम जाएंगे क्योंकि स्पेस आपका कम हो गया है, पहले गेट आपके बड़े हैं तो ज़्यादा नंबर्स ऑफ पब्लिक जा सकती है, बट अब गेट आपका क्या हो गया, नैरो हो गया, छोटा हो गया, तो कम नंबर ऑफ पब्लिक जा सकती है, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जो पर्सनस है वो नहीं जा सकते हैं, ठीक है भाई, अब ये फ्लो कम हो जाएगा। तो अब मैं 100 ना कह के मैं ये कह सकता हूँ कि माइनस के 1 वोल्ट की वजह से ये सिर्फ 80-80 इलेक्ट्रॉन ही जा सकते हैं, और ये जो ग्राफ है वो किसका हो गया, VGS इक्वल टू माइनस के 1 वोल्ट का ग्राफ हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब मैंने क्या किया, मैंने इसका नेगेटिव बायस और बढ़ा दिया, मोर नेगेटिव, माइनस का 2 वोल्ट कर दिया या माइनस का मैंने 3 वोल्ट किया, जैसे ही मैंने मोर नेगेटिव किया तो इसकी डिप्लीशन लेयर और फॉर्म होगी, डिप्लीशन लेयर और फॉर्म हुई, तो स्पेस क्या हो गया, और कम हो गया, मैंने और नेगेटिव बायस किया माइनस का 3rd वोल्ट, और फॉर्म हुई, ठीक है, और इसका स्पेस कम हो गया। तो अब क्या है, जो 100 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे इस रास्ते से, अब नैरो होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की जो पॉपुलेशंस हैं वो कम फ्लो होगी, तो ये जो ग्राफ है करंट का, जो मैक्सिमम करंट थी आपकी, अब वो आपकी डिक्रीज होगी, क्योंकि ये 100 की थी, ये आपकी 100 की थी, ये आपकी क्या हो गई, 18 की हो गई, अब क्या है 60 जाएंगे, अब 50 जाएंगे, ये तो मैं एक एग्जांपल की फॉर्म में बता रहा हूँ, कितने जाएंगे उसका डिस्कशन नहीं होगा, तो ये अब आपकी और कम हो गया, तो ये क्या VGS इक्वल टू माइनस के 2 वोल्ट, ऐसे ही आपका और जैसे ही आपने नेगेटिव किया तो आपका और कम हो गया, VGS इक्वल टू माइनस का 3 वोल्ट एंड सो ऑन, ऐसे ग्राफ आपका नीचे की साइड आता रहेगा, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है, ये VDS के रेस्पेक्ट में है। तो जो मैक्सिमम करंट थी वो भी कम होती गई, किसके रेस्पेक्ट में, इस गेट और सोर्स के रेस्पेक्ट में। अब आप कहेंगे सर गेट को अगर मैं पॉजिटिव लगा दूं विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स तो क्या होगा, तो गेट को अगर आपने पॉजिटिव लगा दिया, पी फॉर पॉजिटिव, पी पॉजिटिव से, और ये जो एन है नेगेटिव से हो जाएगा, तो जो ये डायोड बनेगा बीच में पीएन डायोड, ये जो पीएन डायोड बनेगा वो आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, करंट ज़्यादा फ्लो हो जाएगी, इनपुट करंट जो आईजी है, अगर मैं कहूँ यहाँ पर आईजी फ्लो हो रही है, आईजी ये आपकी अभी तो स्मॉल है, बाद में क्या हो जाएगी अगर आपने पॉजिटिव किया तो ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे इसका इनपुट रेजिस्टेंस जो है कम हो जाएगा। फैट का मुझे इनपुट इम्पीडेंस हाई रखना है तो इसको रिवर्स बायस लगाना ही होगा, तो गेट टू सोर्स वोल्टेज इज ऑलवेज रिवर्स बायस इन केस ऑफ JFET ट्रांजिस्टर।
JFET के केस में गेट टू सोर्स वोल्टेज हमेशा रिवर्स बायस में लगाया जाता है। ये एग्जांपल था एन टाइप का। अगर ये पी टाइप चैनल होता तो यहाँ पे ये पी होते सब, ये एन होता। एन को रिवर्स बायस करने के लिए ये पॉजिटिव लगाते विथ रेस्पेक्ट टू सोर्स। तो आपको ये डिस्कशन समझ में आया। ये कुछ इस तरीके से फ्लो होता है। ये इसकी VI करेक्टरिस्टिक है, इसे है कहते हैं हम ड्रेन करेक्टरिस्टिक। ड्रेन करेक्टरिस्टिक अगर नहीं दिख रहा हो रेड कलर से तो मैं आपको बता देता हूँ, ये लिखा है मैंने ड्रेन करेक्टरिस्टिक। ये आपकी ड्रेन करेक्टरिस्टिक है, या फिर इसे आउटपुट करेक्टरिस्टिक भी कहते हैं। आउटपुट क्या है? करंट है विथ रेस्पेक्ट टू वोल्टेज। वोल्टेज की वजह से इस करंट को कंट्रोल किया जा रहा है, तो इसीलिए इसे वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस कहते हैं। ठीक है भाई, एक इसकी करेक्टरिस्टिक और है, मैं इसकी दूसरी करेक्टरिस्टिक बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस करेक्टरिस्टिक को और इन पॉइंटों को नोट कीजिए, मैं आपको दूसरी करेक्टरिस्टिक यहीं पर बना देता हूँ, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है भाई, ये तो हो गई इसकी ड्रेन करेक्टरिस्टिक। आप देखिएगा, दिख रहा है भैया, यहाँ पर एक वोल्टेज था VDS, करंट थी ID, दूसरा वोल्टेज क्या है, ये वाला वोल्टेज का नाम है VGS, तो ये हो गया VGS। VGS क्या है? नेगेटिव है, नेगेटिव वोल्टेज है, तो मैंने रिवर्स बायस में लगाया है, ये वोल्ट में रिवर्स बायस में लगाया है। जब VGS इक्वल टू 0 वोल्ट था, ये वाला ग्राफ देखिएगा, ये फर्स्ट ग्राफ जो है जो ब्लैक मार्कर से था, इस पर मैं रेड मार्कर कर रहा हूँ, ये 0 वोल्ट था। 0 वोल्ट पे करंट क्या थी? मैक्सिमम थी। तो जब VGS क्या था? 0 वोल्ट था, 0 करंट क्या होगी? मैक्सिमम, जिसका नाम क्या होगा? IDSS, ड्रेन टू सोर्स सैचुरेशन करंट। अब जैसे ही VGS नेगेटिवली बढ़ता चला गया, इस साइड क्या है, बढ़ता चला गया, तो ये IDSS क्या होगी? ये आपकी कम होती चली जाएगी। ठीक है, और ये जो नेचर होता है पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक क्यों होता है? वो आपके इक्वेशंस के हिसाब से मैं आपको भी बताऊंगा बाद में होता है। फिलहाल ये आपका डिक्रीज होगी कुछ इस ऑर्डर में। अगर VGS मैंने कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव कर दिया, ज़्यादा नेगेटिव कर दूंगा तो डिप्लीशन लेयर इतनी फॉर्म हो जाएगी कि आपस में अटैच हो जाएगा और फ्लो एकदम बंद हो जाएगा। तो चैनल जो होगा आपका, चैनल ही तो था ये, चैनल आपका ब्लॉक हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन अपने लिए रिक्वायर्ड नहीं है। तो हम वोल्टेज इतना भी नेगेटिव नहीं करते कि VGS की वजह से करंट आपकी बिल्कुल ही बंद हो जाए और यहाँ पर बंद होने की वजह से यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। अगर ऐसा कभी होता है, ऐसी कंडीशन कभी होती है, तो उसे कहते हैं VGS कट ऑफ। तो ये थी कुछ JFET की वर्किंग। और ये जो करेक्टरिस्टिक है, ये आपकी ड्रेन करंट में आई है मिली एम्पियर, और ये आपका VGS वोल्टेज। इस करेक्टरिस्टिक को ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक के नाम से जाना जाता है। तो दो तरीके की करेक्टरिस्टिक होती हैं फैट की, एक ड्रेन करेक्टरिस्टिक जो कि ये बना दी मैंने, ठीक है, और एक होती है आपकी ट्रांसफर करेक्टरिस्टिक जो कि आपकी ऊपर की साइड बनी हुई है। तो ये सब था JFET की वर्किंग। मैं नेक्स्ट क्लास में JFET से कुछ रिलेटेड पॉइंट बोलूँगा और मैं आपको MOSFET की कुछ बात बताऊँगा, फिर मैं करंट इक्वेशंस बताऊँगा जो कि आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए काम आएंगी। ये कॉन्सेप्ट था, इससे क्वेश्चंस आएंगे, आप इसे अच्छे से देखिएगा, दोबारा देखिएगा और लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस भी कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय सियाराम।